दूल्हा पहने हुए था नोटों की माला, कहाँ देखी थी? पलवल के पास कहीं देखी थी पाजी, बुलंदशहर के आगे देखी थी पाजी, बता रहे हैं बुलंदशहर के आगे देखी थी। तो ये माला साहब कितने की बनती है एक माला? साहब माला तो जब करें एक माला भी नहीं बिक रही है, लॉकडाउन में सब बर्बाद हो गया है, अब आके बैठते हैं कोई ग्राहक नहीं आता है। अच्छा, ढाई महीने हो गए एक माला का कुछ नहीं बिकती है, क्या करें? शादी वादी तो है नहीं लॉकडाउन में, पांच आदमी की शादी होती है उसमें क्या होता है? तो अब के सीजन हमारा ऐसे ही गया बिल्कुल खराब, कोई माला नहीं बिकी, कोई नहीं बिकी, सब जैसे सुबह आते हैं वैसे शाम को चले जाते हैं। बड़ा एक पैसे की बिक्री नहीं होती है सुबह से शाम तक, जैसे आए वैसे चले गए। भाजी दो दुकानदार और आमने सामने हैं, बिल्कुल आमने सामने, तो ऐसे ही दोनों लोग चेहरा दिखा करते, बस चेहरा दिखा, मेरा चेहरा देखते रहते हैं ऐसे। अब देख लो चेहरा कैसा है। नहीं हम कह रहे हैं आप और ये सब देखते ऐसे बैठे रहते हैं बस। भाई ऐसे ही बैठे रहे और क्या करेंगे, पूरा सीजन बर्बाद हो गया है, बिल्कुल खाली है, एक पैसे का काम नहीं है, बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं और बेरोजगारी है, बिल्कुल समय खराब है इस समय। पर हम ये है कि अपनी सेफ्टी खुद करते हैं, अपने हिसाब से रहते हैं। और ये भी लिख दो आदमी आदमी में से बदबू आ रही है। क्या लिखे, क्या लिख दें? आदमी आदमी में से बदबू आ रही है, मतलब जो है एक से एक आदमी मिलता नहीं है अब। आदमी आदमी से बदबू आ रही है? हाँ, कैसे बदबू कैसे आ रही है? कैसे बदबू आ रही है कि मतलब जो है कि ये मास्क लगवा दिया। अच्छा, इसलिए बदबू आ रही है इसलिए लगवा दिया? हाँ। अरे चाचा हाथ नहीं धोया, दूर नहीं गए तो कोरोना आ जाएगा, तो बदबू ही आएगी ऊपर वाली, सीधे पत्ता कट जाएगा ऊपर वाला। अब ये लोग पत्ता पता ना किस किस का कटेगा। आ जाओ, लड्डू है, पेड़ा है, रसगुल्ला है। अरे सामने तो लड्डू रखते हैं, इमरती बनाते हैं? हाँ इमरती बनाते हैं, खा लीजिए। मैं पूछ रहे हैं लड्डू भी बनाते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, मैं यहाँ का पहले वाइस चेयरमैन था नगर पालिका का। अच्छा, तो बड़े आदमी हैं आप? नहीं जी, मैं छोटा सा आदमी हूँ, देखो मैं मजदूर आदमी हूँ। तो बोल साहब भंडारा करते हैं हर शनिवार? हर शनिवार को भंडारा करते हैं जी, आप जैसे सब लोग मिलके ही भंडारा करते हैं जी। अब वो भंडारा हो नहीं पा रहा ना लॉकडाउन की वजह से, नहीं हो पा रहा अब ना, घबरा करते हैं जी अब, क्योंकि बैठा खाने की व्यवस्था नहीं कर पाते ना। हाँ, तो अब घर घर जा करके दिखाते हैं जिनको, अब लोगों को भाजी गोल साहब उनको दीजिए जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ वो तो है ही जी, वो तो हमारा भंडारा भी दो महीने से पेट ताजा है। नहीं उनको तो देना बेकार है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं चेयरमैन साहब, बहुत अच्छा कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहिए, बहुत प्रभु बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अरे हलवा खाया भैया जी, आपका कार्यक्रम बहुत देखते हैं। हाँ जी, बहुत खुश होते हैं सब, बच्चे भी देखते हैं जो आप जनता की आवाज। बस बस बढ़िया, और तुमने खाया? अरे क्या कह रहे हो, खाया कि नहीं खाया? खाया जी खाया। क्या खाया? हलवा खाया है। खाया? ये जो शाखम जाती है यहाँ पानी अपना आप निकलता है और इसके नहाने से चर्म रोग दूर होते हैं, और ये बंजारे द्वारा निर्मित एक जगह है जिसको इतिहासकार बताते हैं कि कभी बंजारे यहाँ ठहरे थे, उनके कुत्ता ने जब यहाँ खोदा था, जो डॉग रखते थे वो लोग, उसके बाद यहाँ पानी निकलना चालू हुआ और आज तक ये पानी निकलता है, यहाँ बहुत गर्म पानी होता है। अब पाजी जियोलॉजी वाले भूगर्भ शास्त्री इसको ये कहेंगे, क्योंकि सोना रोड सोना जो है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है चारों तरफ, तो पहाड़ियां हैं और ये बहुत प्राचीन हिंदुस्तान की जो तमाम सारे प्राग ऐतिहासिक जो इतिहास है उसमें उनका बहुत महत्व है इन पहाड़ियों का। उसके तलहटी में, जी हाँ उसकी तलहटी में ये चश्मा है, चश्मा यानी यहाँ पर वो गर्म पानी का स्रोत है और कहानी हमारे जीवन का बहुत अभिन्न अंग होती है। पाजी मैं भी तो कहानी ही कहता हूँ, रोज एक कहानी कहता हूँ बंजारा। बस पाजी यहाँ पे